जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अनुराग रिव्यूज एंड टेक में। आज की जो वीडियो है दोस्तों, मैं उसमें रिव्यू कर रहा हूँ फिलिप्स QT4011 ट्रिमर का। और इसका रिव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ट्रिमर को 3 साल पूरे कर चुका हूँ। इसको 3 साल की गारंटी मुझे वारंटी इसमें ट्रिमर में मिली थी। 2 साल की वारंटी इस ट्रिमर के साथ आई थी और 1 साल की वारंटी मैंने इसकी एक्सटेंड करा ली थी जब मैंने इस ट्रिमर को खरीदा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्लीन शेव से बेहतर है ट्रिम करना, मुझे पसंद है ट्रिम करना, ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको आज रिव्यू कर रहा हूँ 3 साल यूज़ करने के बाद। तो लॉन्ग टर्म रिव्यू है ये मेरा। और इसी ट्रिमर का रिव्यू मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ कि आप अगर ट्रिमर खरीदने की सोचेंगे तो इसकी तरफ आपका ध्यान जरूर जाएगा। मोस्ट सेलिंग ट्रिमर है फिलिप्स का। और अगर आप ट्रिमर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये ट्रिमर आपको जरूर दिखेगा कहीं ना कहीं, या कोई ना कोई इसको सजेस्ट जरूर करेगा। उसकी वजह यह है कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको 1 घंटा चार्ज करते हैं तो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा ये बैटरी बैकअप दे देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस ट्रिम का। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कितना स्लीक है, पकड़ने में होल्ड करने में बहुत बढ़िया है और ट्रिमिंग भी अच्छी करता है। तो मैं बताता हूँ, मैंने इसको 3 साल यूज़ कर लिया है, तो जो मैं बताता हूँ इसका कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जहाँ तक ट्रिम करने की बात है तो अच्छा ट्रिम करता है ये, बढ़िया काम अपना अच्छा करता है। ब्लेड इससे काफ़ी अच्छे हैं। आपके चेहरे पर कहीं भी ये लगेगा नहीं, कोई किसी तरह की चुभन वगैरह या दिक्कत वगैरह कुछ नहीं देगा। जब आप इसको ट्रिमर करेंगे तो बहुत प्यार से अपने यूज़ कर सकते हैं आप, तो किसी भी तरह की इशू नहीं आएगा। मुझे इसमें जो फर्स्ट इशू आया वो आया 1.5 साल के बाद। और वो इशू क्या आया था कि इसका बैटरी बैकअप कम हो गया था। मतलब आप इसको 1 घंटा चार्ज करने के बाद ये मुश्किल से 30 या 40 मिनट ही चलना रह गया था काफ़ी। उसके बाद एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि क्योंकि ये अंडर वारंटी था तो मैं इसको सर्विस सेंटर पे लेके गया फिलिप्स के, तो उसने कहा जी कुछ समय के बाद तो बैटरी बैकअप कम ही हो जाता। बड़ा अजीब सी बातें उसने मुझे करी। उसके बाद मैंने उसको कहा कि मैंने कहा भैया अंडर वारंटी है तो उसको ठीक करके दो आप। उसने मुझसे बोला कि बैटरी की वारंटी ही नहीं होती। उसके बाद मैंने फिलिप्स के कस्टमर केयर में फ़ोन करा, उसने मैंने उनको बताई सारी बातें। तो उनको उसके बाद फिर मेरे पास सर्विस सेंटर से फ़ोन आया। सर्विस सेंटर भी क्या है, दुकान सी थी बस। और उसके बाद उसने कहा जी आपने सर्विस सेंटर में क्यों फ़ोन करा, मतलब मुझे उल्टा मुझे ही बता रहा है कि आपने क्यों फ़ोन किया मुझे बताते। मैंने कहा भैया मैंने आपको बताया था लेकिन आपने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया बात का, इसलिए मैंने सर्विस सेंटर फ़ोन करना पड़ा। खैर कुल मिला के उसने फिर मेरा ट्रिमर मंगवाया कि जी आप ले आइए। लाने के बाद उसने फिर से इसकी बैटरी चेंज करी और चेंज करने के बाद भी कंडीशन वहीं की वहीं थी। अब उसके बाद जब इसका ऐसे ही चलता रहा तो मैंने क्या करा, अब होता क्या था कि मैं इसको चार्ज करता था ट्रिमर को और मुश्किल से 10-15 मिनट के बाद ये रेड लाइट दिखाना शुरू कर देता था। देखिए इस तरीके से, ये जैसे अब दिखा रहा, अभी मैंने इसको अभी चार्ज, अब कंडीशन क्या हो रही है, अगर मैं इसको फुल चार्ज, अगर मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ तो मुश्किल से 5-10 मिनट में ही चार्जिंग फुल दिखा देता है। और उसके बाद जब मैं इसको चलाता हूँ तो 1-2 मिनट चलने के बाद ये ऐसे रेड लाइट दिखाना शुरू कर देता है। अभी कंडीशन ये है। अब मैंने इसको यूज़ कैसे कर रहा हूँ मैं इसको, कि इसको कोर्ड लगा के चार्जिंग ऑन करके फिर मैं इसको यूज़ करता हूँ, लेकिन उसमें भी दिक्कत कर रहा है। ब्लेड इसके ठीक है बिल्कुल, लेकिन काम ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि चलते चलते इस ये ब्लेड फ्री घूमने शुरू हो जाते हैं और काम ठीक से नहीं कर पाते। चार्जिंग की तो बात छोड़िए, अगर मैं इसको चार्जर पे लगा के भी ट्रिम करता हूँ तो भी स्पीड अप एंड डाउन होती रहती है, कई बार और भी इशू आ जाते हैं। अब मैंने कस्टमर केयर से बात करी तो उसने मुझसे कहा कि 600 रुपये के करीब की बैटरी है इसकी जो चेंज होगी और भी कुछ इशू हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब मैं 800-1000 रुपये लगाऊँ और इसको यूज़ करूँ। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप इस ट्रिमर को लेते हैं तो ये मान के चलिए कि ये 1 से 1.5 साल तक के लिए ही बेस्ट है। उसके बाद इसमें आपको खर्चा लगाना पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रिमर बहुत लंबे समय तक चल जाएगा, हो सकता है आप किसी का चल जाए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने इससे पहले भी फिलिप्स का ट्रिमर लिया था, वो भी 1-1.5 साल बाद ही प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसमें पैसे लगा के ठीक कराया जाए और फिर इसको इस्तेमाल किया जाए। तो बेहतर होगा कि आप कोई अच्छा बेहतर ट्रिमर लें, MI का ट्रिमर ले लें, 1200 रुपये का मात्र है और उसके साथ भी 1 साल की वारंटी आती है, तो 1-2 साल तो आराम से वो भी चल जाएगा। तो ये था मेरा इसका एक्सपीरियंस फिलिप्स का QT4011 ट्रिमर का, मेरा एक्सपीरियंस ये था।
मुझे इस ट्रिमर में से शिकायत है, लेकिन वो शिकायत आनी शुरू हुई 1.5 साल के बाद। तो मैं समझता हूँ कि एक ट्रिमर 1-1.5 साल के लिए बेहतर है, उसके बाद ये प्रॉब्लम करना शुरू करेगा ही। मैंने 2 ट्रिमर ले रखे हैं फिलिप्स के, और दोनों ट्रिमर में ही 1.5 साल के बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। उसके बाद अगर आप इसका कोई पार्ट भी चेंज करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा है। बैटरी ही सिर्फ 600 रुपये की है। अगर आप ब्लेड चेंज करते हैं वो भी करीबन 500-600 रुपये का है। ब्लेड इसका अभी तक ठीक चल रहा है, लेकिन बैटरी की प्रॉब्लम है। और कस्टमर केयर वालों की तरफ से कहना यह है कि अगर बैटरी भी चेंज कर दे तो ज़रूरी नहीं है कि उससे भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो अभी ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये कॉर्डलेस नहीं चल पाता, रेड लाइट दिखाना शुरू कर देता है। अगर मैं इसको चार्ज करूँ तो भी रेड लाइट दिखाना शुरू कर देता है, और अगर मैं इसको कोर्ड लगा के भी चलाऊं तो भी ठीक से नहीं चल पाता, अटकता है। कभी कभी फ्री मोटर चलना शुरू हो जाती है, ब्लेड काम ठीक से नहीं चल पाते, इस तरह के इश्यूज में आ रहे हैं। तो ये था मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू फिलिप्स QT4011 ट्रिमर का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर उसको लाइक शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। अपने आसपास सफाई रखें। जय हिंद, टेक केयर।